नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक राठौर, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं पिछले 18 सालों से आयुर्वेद की पद्धति में चिकित्सा कर रहा हूँ। आज कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। स्वागत है आपका हमारे हेल्थ प्लस चैनल पे। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में कुछ जिज्ञासा सी होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ र्यूमर्स होते हैं। जिन सवालों का वो जवाब पूछना चाहते हैं उनके उनको सही तरीके से जवाब नहीं मिल पाते। आज मैं आपके सामने इसीलिए हूँ कि जो लोगों की कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ र्यूमर्स हैं, उनका सही जवाब दे सकूँ। अगर किसी को स्लिप डिस्क हो गई है या फिर हेरिनेटेड डिस्क की प्रॉब्लम है तो ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि जितने लोगों को भी हेरिनेटेड डिस्क की प्रॉब्लम है उन सबको ईडी की, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होगी। अगर आंकड़ों की बात करूं तो सिर्फ 23% ऐसे लोग होते हैं जिनको हेरिनेटेड डिस्क की प्रॉब्लम से ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो समस्या है उसका कारण ये है कि L4, L5 और S1 में नर्व्स कंप्रेशन के कारण जो नसें आती हैं पेनिस में, उनमें सर्कुलेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है जिसके कारण ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। मगर सिर्फ 23% लोग ऐसे ही हैं जिनको ये समस्या होती है। बाकी हर बीमारी के कारण, चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, चाहे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो, उसका एक साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है और इसका पता सिर्फ एक चिकित्सक ही कर सकता है। इसीलिए किसी भी तरीके की आपको अगर परेशानी है तो चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है हेरिनेटेड डिस्क या फिर स्लिप डिस्क के कारण, या कोई इंजरी हो गई है, इंजरी के कारण कुछ नसें डैमेज हो जाती हैं, कुछ नसें वीक हो जाती हैं, उनके कारण भी ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पता करना ज़रूरी है कि इरेक्शन की प्रॉब्लम का कारण क्या है। अगर इंजरी के कारण या कोई सर्जरी के कारण कोई ऐसा डैमेज हो गया है तो पहले उस चीज़ का सॉल्यूशन होगा और उसी के बाद इसका ट्रीटमेंट चलेगा। मैं गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करता हूं और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्या है तो अगर आप आसपास रहते हैं तो आप आके मेरे क्लिनिक पर मिल सकते हैं। अगर आप आने में असक्षम हैं या दूरी ज़्यादा है तो आप फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको सुझाव दे दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी औषधि की ज़रूरत है जो मेरे द्वारा बताई गई है, अगर आपको नहीं मिलती है, आपके आसपास नहीं मिलती है, तो हमारे यहाँ कोरियर की भी फैसिलिटी है, आपके घर तक हम दवाई भी पहुँचाते हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी से लाभ हो रहा है या आपको लगता है कि ये जानकारी आपके सुझाव के लिए बहुत अच्छी है, या आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई और सवाल है तो वो भी आप जानकारी मांग सकते हैं। अगर मेरी बताई हुई बात से आप प्रसन्न हैं या संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।